अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण चटपटा किचन विद किरण से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, आप लोगों को आप पहले तो मेरी तरफ से सब लोगों को शब मेराज की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान करें और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज हमारे किचन में बड़े मज़ेदार से परांठे बनने जा रहे हैं आलू और चीज़ के। चले जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आलू लिए हैं मैंने 1 किलो के करीब, इन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। ये मेरे पास चीज़ है, ठीक है जी, चेटर चीज़ और मोज़ेला चीज़ दोनों ही हैं। अच्छा, ये मसाले हैं सारे, इसमें एक स्पेशल मसाला है जो आप लाजमी डालिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नमक के हसबे ज़रूरत, मिर्च है मेरी पास सुर्ख, हल्दी है और ये सूखा धनिया है, और ये है स्पेशल मसाला अजवाइन, ठीक है जी, और ये मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये सारे मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया है मेरे पास तकरीबन आधी कटी के करीब, इसे मैंने चॉप कर लिया था, और ये मेरे पास हरी मिर्ची हैं। अच्छा जी, ये मैं सारी चीज़ें मिक्स करूँगी। आज मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ क्योंकि सुबह मेरे हाथ पे ज़रा गर्म पानी डल गया था, गिर गया था और हाथ मेरा थोड़ा सा जल गया था। ये मैंने पेड़े कर लिए हैं परांठों के लिए, फटाफट से हम परांठे बना लेंगे, ठीक है जी। अब हम इसमें आलू और चीज़ को स्टफ करेंगे। ये जी, पहले मैंने आलू लगा दिए हैं और अब हम इसमें चीज़ डालेंगे। तवा मैंने तकरीबन मध्यम सी हल्की आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए, तो गर्म हो चुका हुआ है। अब मैं इसे रोटी को इस पर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डल गई है जी रोटी मेरी। अब एक साइड से ये पक जाएगी तो दूसरी साइड करेंगे, और तब तक हम इस पर घी नहीं लगाएंगे, इतनी देर हम दूसरी रोटी को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए जी, एक तरफ से पक गई है बिल्कुल। अब मैं इस पर घी लगा दूंगी। और इसे हम हाथ से ही पलटा देंगे। ये जी, अब हम दूसरी साइड पे भी घी लगा देंगे। और ये बहुत अच्छा सा, देखिए जी कलर कितना ज़बरदस्त आ गया हुआ है, कुरकुरी सी जो परांठा होते हैं ना, वो बन गया हुआ है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और हम दूसरी रोटी को रेडी करेंगे। इसे मैं प्लेट में निकालूंगी, अब हम अपने दूसरे परांठे को भी रेडी कर लेंगे। इतनी देर ये जी हमारा दूसरा परांठा भी रेडी हो गया है। अब मैं इसे तवे पे डाल दूंगी। ये जी, मैंने इसे डाल दिया और हम इसे पकाएंगे पहले अच्छी तरह से, एक साइड से फिर दूसरी साइड से। ये जी, मैंने इसे फिर पलटा दिया और इस पर घी लगा हुआ था। अब इस साइड पे भी घी लगा लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं, मक्खन के साथ भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है परांठों का। ये जी, मैंने हाथ से पलटा दिया, हालांकि सुबह मेरा हाथ जला था। जी हमारा मज़ेदार से ये आँच आपने ये देखें जी, इतनी ही रखनी है जितनी मैंने भी आपको दिखाई है, वरना परांठे कच्चे रह जाते हैं, अच्छी तरह से नहीं पकते हैं। ये जी हमारा परांठा रेडी हो गया है, आप इसे रायते के साथ खाइएगा, बहुत मज़े का है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।